Welcome to my channel, Psychology for All. Opening the door for better mental health. Hello, I am Anand. I'm a psychologist and psychotherapist. This channel is about anxiety, fear and phobia, loneliness, nicotine addiction, social media addiction, stage fear, gaming addiction, and further psychological disorders and the treatment for them. आज आपके सामने मेरा वीडियो में एंग्जाइटी हेडेक, स्ट्रेस हेडेक और टेंशन हेडेक इसके बारे में और इसका इलाज कैसे करते हैं इसके बारे में मेरा वीडियो में प्रसंग कर रहा हूं। एंग्जाइटी हेडेक के बारे में आप सब जानते हो, आपका आंखों के ऊपर हेडेक हो सकता है, ये दोनों तरह साइड में हेडेक होगा, आपका पीछे की तरह हेडेक होगा, या नहीं तो आपका गर्दन में हेडेक हो सकता है, दोनों शोल्डर ब्लेड में, उसके साइड में, बीच में, ये सब हेडेक आपको हो सकता है। इसको एंग्जाइटी रिलेटेड हेडेक अगर है तो पहले आपको ये हेडेक को अगर आता है तो आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब जब आपको बोलेगा कि आपको शारीरिक ढंग से आप एकदम फिट हो, शारीरिक ढंग से आपको ये हेडेक का कोई मतलब नहीं है, तो इसका वजह यह हुआ कि फर्दर आपका ये हेडेक जो बार बार आता है ये टेंशन के वजह से, एंग्जाइटी के वजह से और स्ट्रेस के वजह से ही होगा। ये डायग्नोसिस सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है, तो अपने आप डायग्नोसिस मत कीजिए। डॉक्टर साहब ने एक बार आपको बोल दिया कि आपका ये जो हेडेक है या माइग्रेन है इसका कारण एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन है, तब जाके आपको आराम से रहना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा पहला वीडियो इसमें बहुत बार बताया हूं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन कभी भी जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि वो बीमारी ही नहीं है। एंग्जाइटी आपका एक मानसिक कंडीशन होता है, आपके सोच के वजह से आपको टेंशन बढ़ता है। बाहर का जो भी आप बाहर चलता है वो कुछ भी टेंशन हमें दे, कुछ भी स्ट्रेस हमें दे, एंग्जाइटी हम अपने आप बनाते हैं। किसी को एक स्ट्रेस ही नहीं महसूस होगा और किसी को छोटा सा स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो सकता है। तो हमारा परसेप्शन, हम उसको कैसे लेते हैं, वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन कैसे बनाते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन अपना परसेप्शन के वजह से हम खुद बनाते हैं, इसलिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस और टेंशन आपके अंदर एक फाइट और फ्लाइट सिम्टम, फ्लाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का प्रकट करता है, तो उससे आपका शरीर में हेडेक बनता है। तो नॉर्मल एंग्जाइटी सिम्टम्स के तरह ही ये हेडेक भी एक एंग्जाइटी सिम्टम्स है। बाकी एंग्जाइटी सिम्टम्स के बारे में मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे बार बोल चुका हूं। तो आप जरूर मेरा वीडियो लाइक कीजिए, अगर कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आपको अपना एंग्जाइटी हेडेक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी हेडेक कभी भी एक बीमारी नहीं है। वो होता है, उसका मेन वजह क्या है, आपको मन में, आपके मन में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, इसके वजह से आपका सर और गर्दन के जो मसल्स है वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाता है, उसके वजह से आपको हेडेक होता है। तो इस हेडेक से बचने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट रहेगा, आपको जब भी हेडेक होता है तो एक ग्लास गर्म पानी या ठंडा पानी पी लीजिए। किसी किसी को गर्म पानी सूट होता है, किसी किसी को ठंडा पानी सूट होता है। कभी कभी ये पानी लेने से, गर्म या ठंडा पानी लेने से आपका हेडेक तुरंत दूर हो सकता है, अगर नहीं भी है कम भी हो सकता है, क्योंकि ये हेडेक अगर स्ट्रेस डिहाइड्रेशन के वजह से होता है तो नेचुरली आपका शरीर को जब पानी मिल जाता है तो एक हेडेक खत्म हो सकता है। तो जरूर कोल्ड और हॉट वाटर, गर्म पानी या ठंडा पानी जरूर पीजिए जब आपको हेडेक होता है। तो दूसरा टिप रहेगा, अपना प्रॉब्लम क्या है इसको समझ लीजिए। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, कभी कभी जब बाहर जाके आते हैं तो धूप में बाहर जाके आते हैं तो हमें सरदर्द होता है,
कभी किसी को झगड़ा किसी से झगड़ा करके आते हैं तो अपने आप को सरदर्द हो सकता है, कभी गुस्सा आ जाता है तो सरदर्द हो सकता है। तो अपना स्ट्रेस का वजह को पता करें, उसके हिसाब से वो वजह को खत्म करने की कोशिश करने से आपको ये टेंशन हेडेक आराम से मैनेज हो सकता है। तीसरा टिप है, आजकल का इंपॉर्टेंट टिप है, अपना स्क्रीन टाइम को कम करें। आप इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन वगैरह यूज करते होंगे, कंप्यूटर में यूज करते होंगे या नहीं तो मोबाइल में यूज करते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो ये सब करने से अपने आप को अगर थोड़ा कम करेंगे, बचाएंगे, तो नेचुरली आपका हेडेक कम हो सकता है। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए, अगर आपका कमरे में लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है तो उससे भी आपका हेडेक हो सकता है, तो कमरे में लाइट का इंटेंसिटी कम कीजिए। और ये जो मोबाइल वगैरह देखना, टीवी देखना और कंप्यूटर देखना, ये सब थोड़े देर के लिए बंद कर लें ताकि आपका हेडेक खत्म हो जाए। चौथा पॉइंट रहेगा, आपको रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना है। रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने के लिए तरीका है, आप योगा सीख सकते हैं, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग सीख सकते हैं, एक जगह पे आराम से 10-15 मिनट बैठ सकते हैं आंख बंद करके, कोई एक चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे कि आपका बचपन में आप खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उसके बारे में आराम से बैठ के सोच सकते हैं, आराम से सांस ले सकते हैं, आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा। डेली 10-15 मिनट कम से कम 2 बार एक दिन में अगर आराम से एक जगह पे बैठ के आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हेडेक कम हो सकता है। पांचवा पॉइंट रहेगा, आप आराम से एक जगह पे बैठिए और अपना आंख बंद कर लीजिए और आराम से अपना टेम्पल्स को स्लोली मसाज कीजिए। आराम से स्लोली अपना टेम्पल्स को मसाज करेंगे तो आपका हेडेक दूर हो सकता है। एक कोशिश करके देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है, मगर ये एक तरीका है आप अपना हेडेक कम करने के लिए। छठा पॉइंट है, आप एक गर्म पानी से नहा लीजिए। तो आप जानते हो जब गर्म पानी से नहाते हैं तो अपना शरीर में पूरा जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है, उसका जो टाइट मसल्स जो है ना वो रिलैक्स होके लूज बन जाता है, यही चीज आपका हेड वाला मसल्स में भी हो जाता है, इसके वजह से आपका हेडेक दूर हो जाता है। 8th पॉइंट है, लैवेंडर ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, उसको अपना उंगली में लेके नाक में रख के आराम से इनहेल कीजिए 2-3 बार, 10 बार भी कर लीजिए तो आपको ये हेडेक से, एंग्जायटी हेडेक से राहत मिल सकता है। 9th पॉइंट है, कॉफी या कैमोमिला चाय। कॉफी, जो बार बार कॉफी पीता है उसके लिए अभी हेडेक आने से कॉफी पिएगा तो असर नहीं पड़ेगा और हेडेक बढ़ जाएगा, मगर कब कोई जो कॉफी नहीं पीता है उसके लिए हेडेक के टाइम में 1 ग्लास कॉफी पीने से वो हेडेक खत्म हो सकता है। सेम वो जो कैमोमिला टी के साथ भी ऐसे ही होता है, हेडेक खत्म होने का उसका अपना ताकत होता है। सबसे बेहतरीन पॉइंट है, आप अपना रहन सहन, जो वे लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसको एकदम से सही बनाइए। इसका मतलब हुआ कि आराम से आप एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, एंग्जायटी मैनेजमेंट कीजिए, अच्छी तरह से पानी पी लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, रात को 7 से लेकर 9 घंटा आराम से रेस्टफुल स्लीप लीजिए, दूसरों से झगड़ा मत कीजिए, अपने आप को एकदम स्वस्थ बना के रखिए। तो ये सब नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो नेचुरली आपको एंग्जायटी, स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगा, और साथ में उसके वजह से जो हेडेक होने वाला है उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका मतलब मैं पहले से बता रहा था, एंग्जायटी, स्ट्रेस और टेंशन, हेडेक, इससे आप डरने की कोई बात नहीं होता, क्योंकि एंग्जायटी, स्ट्रेस और टेंशन, हेडेक किसी भी तरह से आपका शरीर को या मन को कोई हानि नहीं पहुंचाता। I'm sure you liked this video. For more updates, do subscribe to my channel and watch these videos.